नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। जनपद झांसी के कस्बा बबीना में स्थित विभिन्न मस्जिदों में मंगलवार को रमजानुल मुबारक के 27वें रोजे पर कुरान पूरा होने की खुशी में हाफिजों का सम्मान नजराना पेश करके किया गया। आपको बता दें कि मंगलवार को जामा मस्जिद बबीना में ईशा की नमाज के बाद कुरान पूरा होने की खुशी में मुस्लिम बंधुओं के चेहरों पर मुस्कान दिखाई दी। आपको बता दें कि जामा मस्जिद बबीना में मौजूद पेश इमाम मुफ्ती मौलाना फरहान साहब ने नमाजियों को पांचों वक्त की नमाज के साथ साथ तरावी की नमाज भी पढ़ाई। मंगलवार को 27वें रोजे पर जामा मस्जिद बबीना के सदर पहलवान यूसुफ राइन, खजानची काजी उमर अम्मू, शेख मुख्तार कुरैशी, मोहम्मद आसिक मंसूरी, अब्दुल रहमान मंसूरी, शौकत अली पहलवान, अब्दुल रहमान पठान, पंजाबी कुरैशी, हासिर खान मंसूरी, लियाकत अली ठेकेदार, शेख अजमेरी राइन, हाजी उस्मान मंसूरी, हाजी शेर खान, हाजी सलीम राइन, हाजी गुलजार कुरैशी, हाजी लियाकत राइन, हाजी निजामुद्दीन मास्टर, हाजी मुन्ना मंसूरी, हाजी नसरुद्दीन मंसूरी, सुबराती पहलवान, दाम खान राइन, हाजी मुन्ना खां, जमील मुखिया, मजीद खान मंसूरी, बब्बू पहलवान, जलाल खान, अयूब कुरैशी, बब्बू राइन, सलीम मंसूरी, वहीद मंसूरी नहोना, हनीफ खान, ताज मंसूरी, सादिक मंसूरी, इसाक मंसूरी, बंटी कुरैशी, नसरत अली, शहीद पहलवान, शहजाद मंसूरी, सब्बीर राइन, मजीद राइन, बल्लू राइन, असलम कुरैशी, नईम खान आदि समेत सैकड़ों मुस्लिम बंधुओं द्वारा मुफ्ती साहब को फूलमालाएँ पहनाकर तथा पगड़ी पहनाकर और नजराना देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान नंदनपुरा मदरसे में तालीम हासिल कर रहे बच्चों में से एक बच्चे हाफिज उवैस के कुरान शरीफ हिफ्ज होने पर उनकी दस्तारबंदी का कार्यक्रम भी संपन्न किया गया, जिसमें मस्जिद के जिम्मेदारों द्वारा दस्तारबंदी के दौरान हाफिज कुरान को पगड़ी पहनाई गई तथा मालाएं पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। बाद में फातहा शरीफ में अमन चैन के लिए दुआएं मांगी गईं। इसके बाद सभी को तबर्रुख तकसीम किया गया। इसी क्रम में बबीना के बीजासैन मोहल्ले में स्थित हजरत बिजाल मदरसा व मस्जिद में हाफिज व आलिम मौलाना रियाजुल इस्लाम द्वारा नमाजियों को पांचों वक्त की नमाज के साथ साथ तरावीह की नमाज भी पढ़ाई गई। ईशा की नमाज के बाद यहां हाफिज व आलिम मौलाना रियाजुल इस्लाम को कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा फूल मालाएँ पहनाकर और पगड़ी पहनाकर नजराना पेश करते हुए सम्मानित किया गया। बाद में अमन चैन की दुआओं के लिए अल्लाह ताला के आगे हाथ उठाए गए। अंत में सभी को तबर्रुख तकसीम किया गया। यहां नौजवान कमेटी के नदीम कुरैशी, फैजान कुरैशी, अल्ताफ़ कुरैशी, सोहेल कुरैशी, खालिद सैफी, आर्यन, सोहेल खान, मोहम्मद शफीक आदि ने व्यवस्थाओं में सहयोग प्रदान किया। वहीं शास्त्री नगर मस्जिद में मौलाना हाफिज अदनान द्वारा तरावी की नमाज अदा कराई गई। मंगलवार को 27वें रोजे पर कुरान के मुकम्मल होने पर हाफिज अदनान का सम्मान फूल मालाओं से तथा नजराना देकर किया गया। इस अवसर पर यहां मस्जिद के सदर लियाकत अली ठेकेदार, मस्जिद के पेश इमाम मौलाना इमरान खजानची नईम खान तथा संरक्षक इनायत खान और दानिश अनस तथा हसन खान आदि समेत सैकड़ों मुस्लिम बंधु मौजूद रहे। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना से मोहम्मद हनीफ के साथ शैलेश से भरे सोनू की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही। थोड़ी देर में फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए और ताज़ा तरीन खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।